मंच पर सरकार के मंत्री मौजूद थे, बीजेपी के सांसद मौजूद थे, और यूं कहूं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और कुमार विश्वास ने जो कह दिया उसके बाद बवाल हो गया। ये बवाल हो रहा है, बोल पर बवाल जो हुआ है बताया जा रहा है उज्जैन में हुआ है, और उज्जैन में हुआ ये कि कैसी स्थिति बन गई कि जिसकी वजह से कुमार विश्वास का विरोध शुरू हो गया और पोस्टर भी फाड़े गए हैं जहां कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दूं कि दरअसल बताया ये जा रहा है कि कार्यक्रम में, आपको बता दूं, कथा का आयोजन चल रहा है, राम कथा का आयोजन चल रहा है विक्रम उत्सव के अंतर्गत कालिदास एकेडमी में उज्जैन में। वहां पर बीजेपी के तमाम नेता, जैसे मैंने आपको बताया, मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, सब लोग मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे। वहां पर कहा जा रहा है कि आरएसएस को लेकर और वामपंथ को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कुमार विश्वास ने कर दी जिसके बाद अब बयान पर बवाल हो रहा है। अनपढ़ शब्द का जिक्र आया है जिसको आरएसएस से जोड़कर कहा गया, ऐसा बताया गया, और अब उसी को लेकर, उस समय तो बीजेपी नेता कुछ नहीं बोले, मंत्री भी थे सांसद भी थे, उसके बाद विरोध शुरू हो गया, उज्जैन में पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए गए बीजेपी नेता की तरफ से कुमार विश्वास के। अब बीजेपी नेता से जब हमने प्रतिक्रिया ली कि कुमार विश्वास का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। पहले तो उस कुमार विश्वास की इतनी औकात नहीं है कि 100 साल पुराने संगठन पर वो कोई टिप्पणी कर सके। फिर भी कल उज्जैन में जो उसने अनर्गल टिप्पणी की है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि वो इस बात को लेकर माफ़ी नहीं मांगता है तो आज और कल जो उसका कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि जो 100 साल से देश को बनाने में, देश को गढ़ने में काम कर रहा संगठन है और जिसके हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए दिया है, उस संगठन के बारे में भी कोई टिप्पणी की है तो बर्दाश्त के बाहर है। ये वो संगठन है जिसका एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में विश्व में भारत का मान बढ़ा रहा है। उज्जैन की बात करें तो राजा भाव महाकाल संघ का स्वयंसेवक गोवा में जाकर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो पुरातत्ववेत्ता थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, ऐसे कई स्वयंसेवकों ने अपना जीवन दान किया है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को आगे बढ़ाने के लिए। बीजेपी नेता हैं ये उज्जैन के, जो कह रहे हैं कि हम कथा नहीं होने देंगे अब, और इस कार्यक्रम में पोस्टर फाड़ने भी पहुंच गए यही बीजेपी नेता। दरअसल ये विरोध शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में बताया कि उस बोल पर बवाल शुरू हो गया जिसमें कहीं ना कहीं इन बीजेपी नेताओं का कहना है कि कुमार विश्वास की टिप्पणी से वो आहत हैं क्योंकि आरएसएस जैसे संगठन पर उन्होंने जो कुछ टिप्पणी की है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और उस दौरान बताया ये गया, जो हमारे संवाददाता भी हम बता रहे थे जानकारी देकर, कि कथा के दौरान बजट का कुछ प्रसंग था जिसको कुमार विश्वास बयां कर रहे थे, उसमें बात आ गई, आरएसएस की भी आ गई और वामपंथ की भी आ गई, इसको लेकर ही दरअसल पूरा जो है विवाद खड़ा हो गया है। और यही वजह है कि अकेले उज्जैन में नहीं, उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से तमाम जगह से जो है विरोध भरी प्रतिक्रियाएं आई हैं, किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने नाराजगी जताई है। वहाँ आपको अगर बात करूँ उज्जैन की, वहीं उज्जैन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है हिंदूवादी जो संगठन, हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने मांग पत्र भी दिया है और ये मांग रख दी कि कथा को बंद किया जाए, आयोजन समिति को ये पत्र भी भेज दिया है इन लोगों ने। फिलहाल कुमार विश्वास के बोल पर ये बवाल हुआ है जिसके बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। उज्जैन से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ ने, आप देखते रहे MP तक।